जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। आज के वीडियो में सीखेंगे कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और हार्डवेयर कौन कौन से। साथ ही में आप सीखेंगे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर क्या है, पहले नंबर तो आप समझे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करती है। तो बता रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम गणना और तुलना करने के लिए करते हैं। उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। जिसे बता रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? नंबर एक हार्डवेयर और नंबर दो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर हमारा एक बन के तैयार होता है कंप्यूटर। बता रहा है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बराबर कंप्यूटर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर हमारा कंप्यूटर बन के तैयार होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। पहले नंबर आप तो समझे हार्ड मीन्स क्या होता है, कठोर ठोस मजबूत, अवेयर मतलब पार्ट, कंप्यूटर के वे भौतिक पार्ट जो छुए जा सके, महसूस किए जा सके तथा उसकी भौतिक मरम्मत की जा सके, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे बता रहा है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर, फिजिकल जिन्हें छुआ जा सके महसूस किया जा सके उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग होता है जिसकी मदद से पूरा कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का ढेर सारे पार्ट होते हैं अलग अलग, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सभी क्या है? हार्डवेयर पार्ट है जिनसे मिलकर हमारा पूरा कंप्यूटर बनता है। बताया जा रहा है यहाँ पे कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सके और छू सके उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं। अस्तित्व मतलब कोई मान्य नहीं, कोई मूल नहीं। अगर कंप्यूटर का बता रहा है हार्डवेयर कंप्यूटर का वह महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं। नंबर अगला है हार्डवेयर वे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होती है। अगर हमारे पास हार्डवेयर में डिवाइसेस ना हो तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को नहीं चला पाएंगे। तो हार्डवेयर वे डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में आवश्यक होती है, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी हैं हार्डवेयर। अभी आप आगे देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, नंबर एक इंटरनल, नंबर दो एक्सटर्नल। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर किसे कहते हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर किसे कहते हैं? इंटरनल हार्डवेयर वे होते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, वो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, जैसे SMPS, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, इसे भी क्या है? इंटरनल हार्डवेयर। वहीं अगर बात करें एक्सटर्नल हार्डवेयर के एग्जांपल में तो जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, इसे भी क्या है? एक्सटर्नल हार्डवेयर। जैसे भी आप सकेंगे कि इंटरनल हार्डवेयर क्या है, इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर केस के अंदर लगे होते हैं, जो आपका सीपीयू होता है उस केस के जो अंदर लगे होते हैं उन्हें हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर मौजूद वह भाग जो कंप्यूटर को रन कराने में मदद करता है, कंप्यूटर के अंदर मौजूद वह भाग जो कंप्यूटर को रन कराने में मदद करता है जिसे हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं, जैसे देखो आपके पता रहा है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कूलिंग फैन और साटा केबिन, इसे भी क्या है? इंटरनल हार्डवेयर। क्या है? अगला अगर हम बात करें एक्सटर्नल हार्डवेयर की तो एक्सटर्नल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं
जो कंप्यूटर केस के कैबिनेट के बाहर लगे हुए, जो कंप्यूटर केस मतलब सीपीयू होता है उसके जो बाहर पार्ट लगे होते हैं वो सभी एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे बता रहा है एक्सटर्नल हार्डवेयर वे हार्डवेयर जिसे हम कंप्यूटर में देखते हैं या जिस पर हम काम करते हैं उसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम कंप्यूटर में देखते हैं या जिस पर हम काम करते हैं, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, टचपैड, ये सभी क्या है इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर, सॉरी ये सभी क्या है एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो हमारे सीपीयू ढांचे के बाहर लगे होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस, ये सभी एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं। अभी आप सीखेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन सी, एक्सटर्नल हार्डवेयर की जो इनपुट डिवाइस है, एक्सटर्नल हार्डवेयर भी है और इनपुट डिवाइस है, वो कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है स्कैनर। जैसे भी हम बात करें कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में हुआ। दूसरा है माउस, माउस का आविष्कार 1960 के दशक में हो चुका था। स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओसीआर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सभी जो है आपकी इनपुट डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस की इनपुट डिवाइस है। इसे यहाँ पे सभी देखो बताया जा रहा है, ये सभी है इनपुट डिवाइस। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवाइस की आउटपुट डिवाइस है, तो वो कौन सी है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर की आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत पाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप यहां तक समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।